ये है आजकल का सबसे डिमांडिंग पिनाटा सरप्राइज केक, स्मैश केक या हैमर केक भी आप इसे बोल सकते हो। ऊपर से इतना सुंदर और अंदर से बढ़िया से चॉकलेट ट्रफल केक का सरप्राइज देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाएगा। वैसे पिनाटा के अंदर आप कुछ भी सरप्राइज रख सकते हो, बच्चों के लिए उनके फेवरेट चॉकलेट रख सकते हो, कप केक्स डोनट्स रख सकते हो, एनिवर्सरी के लिए आप इसमें रिंग भी रख सकते हो। पर आज हम बर्थडे स्पेशल पिनाटा केक बनाएंगे जिसमें छोटा सा चॉकलेट ट्रफल केक रखेंगे, मजा आएगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिनाटा केक बनाने के लिए मार्केट में इस तरीके का सिलिकॉन मोल्ड मिलता है, ये राउंड है, ऐसा हार्ट शेप का मोल्ड भी आता है इसमें। और अगर आप बिना मोल्ड का पिनाटा केक बनाना चाहते हो तो वो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। आज हम इस राउंड मोल्ड में पिनाटा केक बनाएंगे, पर इसमें रखने के लिए हमें थोड़ा सा छोटा केक लगेगा। अब मेरे पास ये सबसे छोटा केक टिन बस 5 इंच का ही है। ये देखिए, ये मोल्ड में इस तरीके से फिट आता है, पर ऐसे नहीं चाहिए। मोल्ड की जो साइज़ है उससे टिन काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो मैंने ये एक स्टील का डिब्बा लिया है, यहाँ पर देख सकते हो डिब्बा रखने के बाद मोल्ड में साइड में काफ़ी जगह रहती है, तो केक बनाने के लिए ये डिब्बा सही रहेगा। अब डिब्बा चूज करते वक्त और एक बात का ध्यान देना होगा आपको, 5 इंच के इस टिन में 100 ग्राम मैदा का केक इजीली बेक होता है, तो सेम मेजरमेंट का केक इस डिब्बे में बेक हो पाएगा या नहीं ये चेक करने के लिए इस टिन में पूरा ऊपर तक पानी भर के पानी को इस डिब्बे में डाला तो पूरा पानी इसमें आ रहा है, मतलब दोनों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए, केक बनाने के लिए ये डिब्बा परफेक्ट है। अब पहले हम इसमें अच्छे से तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद नीचे और साइड में भी बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रख देंगे जिससे केक को हम इजीली डिमोल्ड कर पाएंगे। पार्चमेंट पेपर है तो इस पर फिर से तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब पहले केक का बैटर बना लेते हैं। तो एक बाउल में यह आधा कप दही लिया है मैंने, इसमें करीबन आधा कप चीनी डाल देना। दही का यूज़ नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल पर दूध से बनी भी काफ़ी केक की रेसिपीज है, आप वो देख सकते हो। और चाहो तो चॉकलेट ट्रफल केक के बदले किसी दूसरे फ्लेवर का, जैसे वनीला, बटर स्कॉच, पाइनएप्पल, रोज चॉकलेट, रेड वेलवेट, ब्लैक फॉरेस्ट, व्हाइट फॉरेस्ट, कोई भी केक आप बना सकते हो। सारी रेसिपीज मेरे चैनल पर है, रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है। चलिए अब ये चीनी दही के साथ अच्छे से घुल गई है, तो अब इसमें जाएगा ये 30 ग्राम तेल। कोई भी बिना फ्लेवर वाला रिफाइंड ऑयल जैसे कि सनफ्लावर या राइस ब्रान ऑयल यूज़ करना, कोकोनट, ग्राउंड नट या मस्टर्ड ऑयल से केक के टेस्ट में चेंज आ सकता है तो वो अवॉइड करना। तो करीबन 2.5 से 3 चम्मच तेल है ये। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा एसेंस, मैं इसमें चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ, नहीं है तो आप वनीला एसेंस डाल देना। और सबको अच्छे से मिलाना एक बार। इन्हें मिलाने के बाद ड्राई इन्ग्रीडियंट्स निकाल लेते हैं। तो एक बाउल में इस तरीके से छलनी रख देना और इसमें जाएगा ये 1/4 कप मैदा, मतलब 100 ग्राम मैदा डाल देना। 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर जाएगी, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर पहले ये 1/2 चम्मच और ये 1/4 चम्मच, मतलब टोटल 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर जाएगी। साथ में ही 1 पिंच नमक भी डाला है मैंने। अच्छे से छान लेंगे सबको और इन छाने हुए ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को दही के इस बैटर में डालकर मिला देंगे। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध या पानी डालकर आप मिला सकते हो। चलिए अब बैटर रेडी है, फटाफट से इसे इस डिब्बे में डाल देंगे और इस डिब्बे को अच्छे से टैप करके प्रीहीटेड पतीले के अंदर इसे रख देंगे। मैंने इसे पहले ही 10 से 12 मिनट अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। अब ढक्कन रखकर करीबन 40 मिनट स्लो मीडियम फ्लेम पर इसे बेक होने देंगे। केक हाइट में थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसे बेक होने में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। तो जब ये अच्छे से बेक हो जाए इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने के बाद इस तरीके से डिमोल्ड करेंगे। बटर पेपर हटा देना और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा केक बना है दोस्तों। अब इस केक को थोड़ी देर साइड में रख देना। पहले हम पिनाटा सरप्राइज केक के लिए शेल बनाएंगे। उसके लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये वाइट कंपाउंड लिया है, मॉर्डे का है, आप किसी भी ब्रांड का वाइट कंपाउंड ले सकते हो। वैसे ये पूरा 400 ग्राम कंपाउंड लगेगा हमें, पर पहले 200 ग्राम से ही एक शेल बनाएंगे। तो ये 200 ग्राम कंपाउंड मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, इसे हम डबल बॉयलर पर रखकर मेल्ट करेंगे। पतीले में बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैंने रखा है, इस पर ये चॉकलेट का बाउल रख देना और धीरे धीरे से इसे चम्मच से चलाते रहना जब तक चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए।
ध्यान रखना इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस अच्छे से पिघल कर लेना है इसे। अच्छे से पिघलने के बाद 3 से 4 मिनट इसे थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने तक वेट करना। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है ये, तो ये बिल्कुल सही है। अब पिनाटा केक को मार्बल इफेक्ट देना है, तो ध्यान रखना पूरे चॉकलेट में कलर नहीं मिलाएंगे। मोल्ड में 1 से 1.5 चम्मच चॉकलेट निकाल लेना और अब इसमें हम पिंक जेल कलर के बस 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देंगे। टूथपिक की सहायता से बिल्कुल थोड़ा सा इस तरीके से इसे मिक्स करना और अब बिल्कुल धीरे धीरे से इसी तरीके से चॉकलेट को इसमें फैलाते जाना। पहले हम क्या करेंगे, एकदम पतली सी चॉकलेट की लेयर बनने देंगे। मोल्ड के हर एक एंड तक चॉकलेट अभी नहीं पहुंचा तो भी चलेगा, हमें बस इसके मार्बल इफेक्ट पर पहले ध्यान देना है। तो इस तरीके से चॉकलेट को फैलाने के बाद 10 मिनट इसे फ्रिज में रखना है, पर इसे डायरेक्टली फ्रिज में ना रखना। एक इस तरीके का टिब्बा या कोई भी बर्तन लेना और इस पर मोल्ड को रख देना, इससे शेल का राउंड शेप अच्छे से मेंटेन रहेगा। अब 10 ही मिनट में ये देखिए काफ़ी अच्छे से सूख गया है ये, तो अब इसमें काफ़ी सारा मेल्टेड चॉकलेट डालकर इसे फैलाएंगे। अब आपको इसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, अब बस ध्यान देना चॉकलेट को मोल्ड के एकदम एंड एंड में फैलाना है हमें। बहुत बार क्या होता है ना, साइड से शेल पतला होने के कारण टूट जाता है, तो वो नहीं होने देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा का चॉकलेट इस तरीके से हटा कर फिर से 10 मिनट फ्रिज में रखेंगे और अच्छे से सूखने के बाद फिर से एक बार यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ऐसे बार बार करने से क्या होगा ना, शेल बहुत अच्छे से थीक बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप चाहो तो इस तरीके से साइड्स में एक्स्ट्रा का कंपाउंड लगा सकते हो। दोस्तों ये शेल बनाने के लिए मैंने इसमें टोटल 200 ग्राम चॉकलेट यूज़ किया है। शेल अच्छा होना ज़रूरी है, तभी ये केक को ईजिली होल्ड कर पाएगा। और अब फाइनली हम इसे डीमोल्ड करेंगे, तो मोल्ड को इस तरीके से नीचे प्रेस करते हुए चॉकलेट शेल को उठाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया बना है ये, इसका कलर, डिज़ाइन, इसकी शाइन सब कुछ ज़बरदस्त है। अब बाकी की प्रोसेस करने तक हमें इसे फ्रिज में रखना है, वहाँ पर डायरेक्टली इसे प्लेट में न रखना। प्लेट में एक टूथपिक रखकर इसके ऊपर इसे रख देना, ताकि बाद में इसे उठाना भी बहुत ईजी रहे। अब इसी मोल्ड में और एक शेल बनाएंगे, उसके लिए फिर से मैंने बचा हुआ 200 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट किया है। थोड़ा सा चॉकलेट मोल्ड में डालकर फिर से जेल कलर के 2-3 ड्रॉप्स इसमें डाल देना और टूथपिक की सहायता से इस तरीके से इसे थोड़ा सा मिक्स करना। फिर से सेम प्रोसेस, इस तरीके से बीच बीच में इसे सुखाते हुए 3 से 4 चॉकलेट की लेयर इसमें डाल देना। और फिर ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है ये, तो इसे भी टूथपिक की सहायता से प्लेट में रखकर फ्रिज में रख देंगे। अब इस चॉकलेट केक को पिनाटा के अंदर फिक्स करने के लिए पहले इसका ऊपर का पोर्शन कट करना और अब बचे हुए केक को हम 3 समान लेयर्स में काटेंगे, ये 1, 2 और 3। चॉकलेट ट्रफल केक बनाने के लिए पहले एक बाउल में करीबन 125 ग्राम डार्क कंपाउंड लेना। फ्रेश क्रीम या व्हीप क्रीम का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, पर मैंने इसे थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। थोड़ा मेल्ट होने के बाद इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच दूध और 1 बड़ा चम्मच बटर डाला है और बढ़िया सा चॉकलेट गनाश 2 मिनट में बनकर तैयार है। इसे यूज़ करने से पहले हमें इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखना होगा। देखिए इस तरीके से गाढ़ा हुआ है ये, तो चलिए अब सारी चीज़ों को असेंबल करना शुरू करते हैं। एक केक बोर्ड पर केक के 3 लेयर्स में से एक लेयर रखी है मैंने, इसका बीच का थोड़ा सा सर्कल निकाल देंगे। एक रिंग हमें चाहिए पिनाटा केक के बेस में रखने के लिए, ये देखिए ऐसे अरेंज करना है इसे। पर पहले इस रिंग पर अच्छे से चॉकलेट क्रीम लगा देना और इसे इस तरीके से पलट कर केक बोर्ड पर रख देना। ऊपर के साइड में भी अच्छे से क्रीम लगाएंगे ताकि चॉकलेट शेल इस पर अच्छे से फिक्स हो जाए और साइड से भी क्रीम से इसे बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब इसमें से एक शेल को उठाकर इस तरीके से इस केक रिंग पर रख देना, जो भी एडजस्टमेंट करनी है आप अभी कर सकते हो। अब दोनों शेल्स बनाने के बाद 400 ग्राम में से जो वाइट कंपाउंड बचा है उसको इस शेल के अंदर डाल देंगे ताकि ये और अच्छा स्ट्रॉन्ग बने। फ्रिज में 10 मिनट सुखाने के बाद अब इसमें हम अपने केक को रख सकते हैं। तो पहले इस पर थोड़ी सी चॉकलेट क्रीम लगाएंगे, इस पर ये केक की एक लेयर रख देना। केक को सॉफ्ट और मॉइस्ट रखने के लिए सिंपल शुगर सिरप बनाया है हमने, इसे केक पर अच्छे से लगाना।
आप ये चॉकलेट ट्रफल या चॉकलेट गनाश लगाएंगे और इस पर ये केक की आखिरी लेयर जाएगी। इसे भी अच्छे से मॉइस्ट करके क्रीम लगाई है मैंने इस पर। अब चाहो तो इस केक को ऐसे ही रख सकते हो, थोड़े से सिल्वर कलर के स्प्रिंकलर्स डालकर इसे सजा सकते हो, पर मैं इसे पहले ऐसे ही थोड़ा सा प्लेन रखूंगी और फ्रिज में थोड़ा सेट होने दूंगी। तब तक ये देखिए, बचे हुए चॉकलेट गनाश को मैंने फिर से गर्म पानी के ऊपर रखकर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाया है। सेट हुए केक पर इस तरीके से इसे डाल देना। साइड साइड से गनाश डालेंगे तो बहुत अच्छे से ड्रिप होगा। ये मेरे पास कुछ चोको चिप्स थे, इनसे मैंने इसकी बॉर्डर बनाई है और इस तरीके से चेरीज रखने से और भी अट्रैक्टिव लगेगा ये। इस केक के साथ साथ आप और कुछ चॉकलेट, चेरी, स्ट्रॉबेरीज रखना चाहते हो तो रख सकते हो। मैं अब इसे क्लोज कर दूंगी। तो ये जो दूसरा शेल है इसे हमें इसके ऊपर चिपका देना है। इन्हें चिपकाने के लिए मेल्टेड वाइट कंपाउंड को टूथपिक के हेल्प से दोनों शेल के एजेस में लगा देंगे और जब तक ये गीला है तभी फटाफट से इसे चिपका देंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, साइड्स में कहीं कहीं गैप्स है पर कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम एक सैटिन की रिबन लगाएंगे। पर उसके लिए पहले इस तरीके से अच्छे से कंपाउंड लगाना इस पर और तुरंत एक सैटिन की रिबन इस पर चिपका देना। चॉकलेट कंपाउंड का इस्तेमाल करके वो भी मैंने इस पर चिपकाया है, पर ये रिबन मुझे थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड लगी तो इसे हटाकर मैंने ये पतली वाली रिबन यहाँ पर लगा दी है। अब इस तरीके के केक टॉपर स्टेशनरी स्टोर में इजीली मिल जाते हैं, इसे हम केक पर लगाएंगे। तो जहाँ पर लगाना है वहाँ पर थोड़ा सा निशाना कर देना। अब एक नाइफ को गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लिया है मैंने, इसे ज़रूरत के हिसाब से छोटे से होल करना है इसमें और अब ये अपना केक टॉपर इस पर लगा देना। वाह, क्या लग रहा है केक। अब इसे तोड़ने के लिए इस तरीके का हैमर भी केक रॉ मटेरियल के शॉप में मिल जाता है। आप नहीं खरीदना चाहते इसे तो ऐसे डंडी को सजाकर भी यूज कर सकते हो। मैंने इस हैमर को लेस से थोड़ा सा सजाया है। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके का पिनाटा या सरप्राइज केक बनाकर अपने प्रियजनों को खुश कर सकते हो। ट्राई करने के बाद इसके फोटोग्राफ्स मेरी जीमेल आईडी पर जरूर भेजना। मैं इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कर दूंगी तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।